हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, MBBS के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा आयुर्वेद। खबर है कि हरियाणा में MBBS करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने अब MBBS के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद को भी शामिल करने का फैसला कर लिया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि MBBS की डिग्री के तहत 4 साल विद्यार्थी एलोपैथी की पढ़ाई करेंगे, वहीं 1 साल आयुर्वेद की पढ़ाई करेंगे। यूपी में वाराणसी प्रयागराज के बीच दौड़ेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। खबर है कि यूपी में वाराणसी और प्रयागराज के बीच वंदे भारत मेट्रो ट्रेन पूरी तरीके से चलने के लिए तैयार है। इस मेट्रो ट्रेन में एसी के साथ ही स्लीपर और अनारक्षित बोगी भी दी गई है। इस ट्रेन को 50 से 120 किलोमीटर के बीच सबसे कम दूरी तय करने वाले 2 शहरों में ही चलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा केंद्र के इशारे पर धोखे से पास किया MCD बजट। खबर है कि दिल्ली में MCD के बजट पास होने पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले मेयर चुनाव रोकने की कोशिश हुई, अब केंद्र सरकार के इशारे पर MCD के अधिकारियों ने धोखे से बजट पास कर दिया है, जबकि जनता द्वारा चुनी गई सरकार शपथ ग्रहण का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान ने विकिपीडिया को किया ब्लॉक, पहले दी थी 48 घंटे की समय सीमा। खबर है कि पाकिस्तान ने विकिपीडिया पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान ने वेबसाइट से ईश निंदा सामग्री करार दिए गए कंटेंट को हटाने के लिए 48 घंटे की समय सीमा दी थी, जिसे विकिपीडिया ने हटाने से साफ इनकार कर दिया। यदि विकिपीडिया ईश निंदा सामग्री को हटाती है तो सेवाओं की बहाली पर पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की ओर से विचार किया जाएगा। BMC ने मुंबई वासियों के लिए खोला पिटारा, पेश किया 52,619 करोड़ का बजट। खबर है कि BMC ने 2023-24 के तहत मुंबई वासियों के लिए 52,619 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। पिछली बार यह बजट 45,000 करोड़ रुपए का था। BMC द्वारा बजट का 52% रेवेन्यू डेवलपमेंट पर खर्च होगा। वहीं तटीय सड़क के लिए 3,553 करोड़, मुंबई सीवरेज निपटान परियोजना के लिए 3,591 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जासूसी गुब्बारे ने बढ़ाई टेंशन, अमेरिकी विदेश मंत्री का चीन दौरा रद्द। खबर है कि अमेरिका में मोंटाना के आसमान में चीनी जासूसी गुब्बारा देखा गया था, जिससे अमेरिका चीन संबंधों में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव की वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बीजिंग की पहली आधिकारिक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि यात्रा की औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। हिंदुत्व छवि पर सीएम योगी बोले, मैं योगी हूँ, न हार्ड हूँ न सॉफ्ट हूँ। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आज तक को दिए एक इंटरव्यू में अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर कहा कि मैं योगी हूँ, न हार्ड हूँ न सॉफ्ट हूँ। वहीं यूपी में हुए विकास पर उन्होंने कहा कि पहले यूपी मीटर गेज की ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, अब बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ रहा है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।